मेरे मुंह में स्प्रे चला गया, हेयर स्प्रे, और मुंह बहुत कड़वा हो गया। Hi everyone, Jadhav. This is my first ever vlog and I really don't know how to do this. Like, and I'll still try for you guys. अच्छा तो मैं आज के vlog में सिर्फ दिखाऊंगी कि मैं usually Sundays को क्या करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कैसे तैयार होती हूँ और सब कुछ। और अब मुझे बस मैं अभी नहा कर आई हूँ और मुझे अपने बालों में जो मैं अपना Kerastase का ऑयल लगाती हूँ, मुझे बस वो लगाना है और फिर मुझे उसके बाद बालों को ड्राई करना है ताकि मैं तैयार हो सकूँ। और मैंने आज व्लॉग के लिए अपना क्यूटेस्ट नाइट सूट पहना हुआ है और अब मैं जल्दी से अपने बाल ड्राई करके फिर आती हूँ। अच्छा अब मैं अप्लाई करूँगी अपना सनब्लॉक। आप कोई भी सनब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। मेरी ऑयली स्किन है और मुझे ये सनब्लॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। द सनब्लॉक इज़ बाय न्यूट्रीजना। और मैं बार बार बोलूँगी कि आपको बग़ैर सनब्लॉक के घर से नहीं निकलना है। सनब्लॉक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। मैं जनरस अमाउंट लूँगी इसका और फिर उसको अप्लाई करूँगी। अच्छा तो मैं जब मेकअप करूँगी तो मैं चाहती हूँ मेरे लिप्स पहले से प्रेप हो जाएँ, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिप स्लीपिंग मास्क बाय लेनेज। और ये मेरा फेवरेट लिप स्लीपिंग मास्क है। इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा तो अब मैं जाऊंगी और मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी और मैं तैयार होंगी और फिर मैं जाऊंगी बाहर लंच पर। ओके सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक राइट नाउ। और आज मैंने बहुत ज़्यादा नेचुरल करने की कोशिश करी थी और आई डोंट नो व्हाई मैंने फॉल्सीज लगा ली हैं। और ये जो लिप कलर है दिस इज़ बाय जुराड कॉस्मेटिक्स इन द शेड 1995 और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा ब्राउन न्यूड लिप कलर है। अब आई जस्ट वॉन्ट कि आई डोंट नो मैं कर्ल करूँ या क्या करूँ। मैंने अभी अपने बालों को सिर्फ ब्लो ड्राई किया हुआ है, अब मैं शायद इसको कर्ल करूँगी, मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी और फिर मैं आती हूँ। अच्छा तो मैं अपने बाल अब कर्ल करना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं एक सेपरेट वीडियो से बनाने की कोशिश करूँगी वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सिर्फ कर्ल प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी इसमें। अच्छा तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ स्टार्टिंग का भी दिखा देती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं आगे की जो ये वाला पार्ट होता है ना, पार्टीशन सो कर लेती हूँ। आगे वाला जो पार्ट होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइड लुक चाहिए तो आपको इसको इस तरफ कर्ल करना होगा और ये वाला जो पार्ट होता है आपको इसको इस तरफ करना होगा ताकि वो बिल्कुल ब्लो ड्राइड लुक आए। तो मैं इतनी ये पकड़ूंगी और मैं यहाँ से ये करूँगी। अब मुझे इस तरफ चाहिए राइट साइड पर, तो मैं इसको राइट साइड पर। अच्छा इसमें ना मेरे स्टेप्स
हैं तो मैं छोटे वाले को लूँगी, ठीक है। और अब मुझे राइट साइड पर चाहिए तो मैं इसको राइट साइड पर करूँगी ताकि ये इसी साइड पर वो हो जाए, कर्ल हो जाए और ब्लो ड्राई जैसा लग जाए। मैं जब भी कर्ल करती हूँ मैं हमेशा काउंट करती हूँ 20 या 30 सेकेंड्स तक, मतलब 20 या 30 तक काउंट करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि एक साइड पर ज़्यादा टाइम ना हो जाए या कम ना हो जाए। ये इस तरह इस साइड पर हो गया। सेम मैं अगर इस साइड पर करूँ मैं इतने पार्ट को लूँगी। आप जितने पतला लोगे ना, जितना ज़्यादा छोटा हिस्सा लोगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लूँगा। अब मैं ये लेफ्ट साइड पर करूँगी ताकि लेफ्ट साइड पर इसका मतलब ये इस साइड पर आ गया। अब मैं इस तरीके से बाकी करूँगी। अच्छा, आप जो हमेशा मिक्स एंड मैच कर सकते हो, जैसे मैंने ये लेफ्ट पर किया था तो मैं इसको राइट पर कर सकती हूँ, इनवर्स और आउटवर्ड्स, ठीक है। ये लेफ्ट राइट नहीं है, इनवर्स और आउटवर्ड्स है। बस मैं एक चीज़ जल्दी से बता दूँ, जब भी आप ये कर्ल करोगे ना तो उस पर जल्दी से स्प्रे कर देना ताकि ये सेट हो जाए उसी उसमें। बस कर्ल कर लिए अपने सारे बाल कर्ल कर लिए। अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे ये बहुत क्यूट सा बैंड पहनना चाहिए। अब मुझे हो रहा है कि मैं ये बैंड पहनूंगी तो शायद मेरे कर्ल आगे से ख़राब हो जाएंगे या मुझे ट्राई करना चाहिए या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आई थिंक मैं रिस्क लेकर देख सकती हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो मैं पहन लेती हूँ। आई थिंक अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। और शायद मैं पहन लूँगी या मैं इसको यहाँ पे कुछ पिनअप करूँगी, कुछ करना पड़ेगा वरना ये लक तो अच्छा रहा है। आई थिंक मैं पहनूँगी इसको वरना ये घर पे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास एक ट्रिक है। जब भी आपका ये जो कर्लर हो ना, जब ये थोड़ा कम गरम हो या चलो गरम हो जाए, ठीक है, मतलब गरम हो, आपने जो अपने सारे कर्ल कर लिए हो तो ये जो आपके बेबी हेयर जो उड़ रहे होते हैं ना, तो ये जो कर्लर होता है जब ये गरम ही हो ना तो उससे एक दफ़ा इस तरह करना चाहिए, तो उससे जो आपके बेबी हेयर होते हैं ना वो सारे बैठ जाते हैं। आई डोंट नो कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़े थोड़े बेबी हेयर भी थे मेरे वो सारे इससे बैठ रहे हैं। अच्छा, मैं स्प्रे करना तो भूल ही गई। मैं जल्दी से स्प्रे कर दूंगी जहाँ जहाँ मैंने कर्ल किया था। स्प्रे ज़रूरी है वरना आपके कर्ल खुल जाएंगे। ओके, अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे इयररिंग्स पहनने चाहिए इसके साथ या नहीं पहनने चाहिए, तो ये रहे मेरे इयररिंग्स, ये रहे मेरे इयररिंग्स। ये आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से लिए थे, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। जब मुझे थोड़े से मतलब मुझे बहुत हेवी कुछ नहीं चाहिए होता तो मैं ये पहन लेती हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता मुझे ये पहनने चाहिए या फिर ये ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी इतना नज़र नहीं आएगा तो आई थिंक मैं पहन लेती हूँ। Hmm.
निकलने से पहले दिखा देती हूँ। और ये वाली लिपस्टिक मैं थोड़ी सी और डार्क करूँगी, मुझे थोड़ी सी और डार्क चाहिए। इसमें वेनिला की खुशबू आ रही है। ओके, तो दिस इज़ हाउ माय मेकअप लुक्स लाइक डे लाइट में। और मैंने पूरा कर लिया है और मैंने इस तरह का बैंड पहना हुआ है। और ये मेरी एक शर्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक सो, ये पाकिस्तान की है, मुझे नहीं आती, मैंने शायद कुवैत से ली थी। और दैट्स इट आई थिंक। तो एक और सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये डिसाइड करना कि ये जो सारा मेस है ये अभी साफ़ करना है या ये बाहर से आकर साफ़ करना है। और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ये अभी साफ़ कर जाऊँ ताकि बाहर से जब मैं आऊँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, या फिर मैं अभी सुकून से जाऊँ और बाद में आके साफ़ करूँ। मैं सिर्फ अपना परफ्यूम लगाऊँगी। और ये मेरा करंट फेवरेट परफ्यूम है, दिस इज़ बाय जूसी कुचोर। हमेशा दांतों पे लग जाती है। अच्छा, तो मैं ये परफ्यूम लगाऊंगी। यार इतना ऑकवर्ड लग रहा है, मैं एक एक चीज़ कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मैं ये करूँगी अब मैं वो करूँगी। अच्छा, जब भी मैं परफ्यूम लगाती हूँ तो मैं पागलों की तरह लगाती हूँ, फिर मुझे जिसके सामने लगा रही हूँ तो वो अक्सर इंसान टोकता है कि मतलब तुम नहा रही हो परफ्यूम में। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाओगे तो व्हाट्स द पॉइंट परफ्यूम लगाने का, अगर किसी को पता ही ना चले कि आपने परफ्यूम लगाया है। तो इसलिए मैं जितना हो सके भर भर के लगाती हूँ। मैं जल्दी से ये जो भी पड़ा हुआ है सब साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं लिटरली अपने फेस पर ये सब स्प्रेज यूज़ करती हूँ। ओके, अब मैं थोड़ी सी देर में निकलूँगी बाहर। जब हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, आगा जूस, और ये कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, गुलशन इकबाल हाँ गुलशन इकबाल में, और आगा जूस नाम है। और ये यहाँ के स्पेशल चाट है, स्पेशल गोलगप्पे।
ये कैफे प्रा का मोरक्कन चिकन है, और ये क्या है, चिमनी ग्रिल, नहीं चिमनी क्रीमी ग्रिल चिकन, और ये दोनों यहाँ के बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। अच्छा तो मैं जाऊँगी स्पाइसी नूडल्स लेने के लिए, जो कोरियन नूडल्स होते हैं। तो यहाँ पर एक मार्ट है, यहाँ पर वाले नूडल्स मिलते हैं, तो अब मैं जाऊँगी। और आई थिंक मैं ड्राई शैम्पू भी लूँगी, मेरा ड्राई शैम्पू भी ख़त्म हो गया है और मुझे नहीं पता मैं क्या लूँगी, सो लेट्स सी। थैंक यू। जब मैं कुवैत में होती थी तो मैं कुवैत में सिर्फ मैकफ्लरी, नहीं चॉकलेट संडे का सिर्फ कैरमल फ्लेवर खाती थी, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलता नहीं है। और पाकिस्तान में चॉकलेट संडे मिलता है, जो कि शायद कुवैत से ज़्यादा मज़े का है। और मैं मैकडोनल्ड्स में सिर्फ यही वाला फ्लेवर खाती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं बस मैकडोनल्ड्स में चॉकलेट संडे खाती हूँ। हाय एवरीवन, सो जस्ट केम बैक होम, और दिस इज़ हाउ आई यूजुअली स्पेंड माई संडे। और मैं हर संडे इसी तरह कहीं ना कहीं जाती हूँ, मतलब मोस्टली जाती हूँ। और मैं ज़्यादातर लंच पर जाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट पर जाना इतना पसंद नहीं है, मुझे सुबह इतना उठना नहीं पसंद, तो इसलिए मैं लंच पर जाती हूँ। मैं नए नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करती हूँ, और बस इसी तरह कहीं का कुछ खाया, कहीं का कुछ खाया, और इस तरह कर करके मेरा संडे गुजर जाता है। आई थिंक अभी 7:30 हो रहे हैं, और मैं आज थोड़ा जल्दी घर आ गई, क्योंकि और कुछ करने का था नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है तो सब चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं, तो मेरे पास और कुछ करने का था नहीं, तो बस मैं इसी तरह करती हूँ। अब बस मैं अपना मेकअप साफ़ करूँगी, मैं नाइट सूट चेंज करूँगी, और आई थिंक मैं नेटफ्लिक्स लगाऊँगी, मैं कोई मूवी देखूँगी, या रात का खाना खाऊँगी, या कुछ भी। तो आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई व्लॉग, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग। और अगर यू गाइज इन्जॉयड तो डू लेट मी नो, ताकि मैं और बनाऊँ। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग था और मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव करती जाऊँगी। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।